मोरे सैया जी, मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे हो। मोरे सैया जी, मोरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया धीरे बहो, धीरे बहो धीरे 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 बहो नदिया हैयर हैयर हैयर। इतनी बड़ी नदियाँ है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, उस माइक के साथ मैंने सर फोड़ लिया, कुछ गलती हो रही है फिर मुझसे। अब जाके शूटिंग पे फिर यूट्यूब वाले बच्चों से डांट खाऊंगी। मैंने कहा चले अब जो भी है नाश्ता तो आपको दिखा दूँ। अच्छा, बहुत दफ़ा मुझे मेरी कोई प्यारी सी बहन कहती है कि अपना डाइट प्लान बताएं, अपना कोई पता क्या। मैं कोई इतनी बड़ी डाइटिशियन तो नहीं हूँ, ये देखे क्या खा रही हूँ मैं। ये पराठा नहीं है, ये एक्चुअली नान मेरी दोस्त रुबीना जो आई है वो लाई थी बाबी के, मतलब एक दुकान से, मैं उनका नाम नहीं ले रही। इसको पानी में भिगो के नरम करके देसी घी में कड़क करके, बहुत दिनों के बाद, मैंने काफ़ी दिन से मैंने पराठा नहीं खाया। ये जनाब हाफ बॉइल्ड अंडा है, गुड़ की चाय है, ये मेरा वो हल्दी वाला सपून जो मैंने बताया है, हल्दी, अजवाइन, सौंफ, दालचीनी का पाउडर, मेथी दाना, अलसी। चमचा ग्रुप करके खा देती हूँ। अपना ख्याल रखना पड़ेगा भाई, दूसरों का ख्याल रखने के लिए अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर हम ठीक नहीं होंगे हमारे बच्चों को मुसीबत पड़ जाएगी। तो भाई आप अपने लिए टाइम निकालें, खुद से प्यार करेंगे तो दूसरों से प्यार करने के काबिल होंगे ना। ठीक कहा ना मैंने, बड़े मज़े भाई। अब ये पानी का टैंकर आ गया, इसकी आवाज़ आ गई, इसीलिए तो माइक लिया था, आ ही नहीं रहा करना। तो छोटी सी चीज़ है, नाखून भी उसकी वजह से मुड़ गया, उसमें एक हार्ड सी चीज़ को अंदर फंसाना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है। ऊपर से आज शूटिंग है, काम पे जाने की खुशी नहीं होती, जैसे मंडे को बच्चे नहीं होते। और हाफ बॉयल अंडा, एक अंडा तो रोज नहीं, कभी कभी खाती हूँ, लेकिन आज का ज़रा मौसम थोड़ा ठंडा है, गर्मियों में तो अंडे का नाम कोई लेता तो मैं उसकी तरफ बहुत बुरी तरह देखती हूँ घूर के। ना मैं गर्मियों में पाए खा सकती हूँ, मुझे बहुत मैं माइंड करती हूँ, और ना मैं अंडा खा सकती हूँ गर्मियों में, ठंडी ठंडी चीज़ें। मैं कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी मैं क्या सोचती हूँ, एक हकीकत यह है अल्लाह ताला ने जो सब्ज़ियाँ फल मौसम के हिसाब से बनाए हैं ना, उन्हीं दिनों में उन्हीं की ख्वाहिश होती है। बेमौसमी चीज़ें जब आप खाते हैं, जैसे हर चीज़ हर वक्त मिलती, भिंडी मिल रही, उसका कोई इस वक्त मौसम नहीं, का मतलब यह है जिस मौसम में जो सब्ज़ी उगाई जाती है आपके लिए अल्लाह की तरफ से, वो ही आपको आपकी बॉडी अट्रैक्ट होती है या आपका दिल चाहता है खाने को। आजकल जैसे आपको गोभी अच्छी लगती है, तोरी नहीं अच्छी लगती मुझे आजकल, कद्दू भी नहीं अच्छा लगता। ये कद्दू, तोरी, टिंडे, भिंडी, ऐसी चीज़ें गर्मी में अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो पैदा ही ऐसे वक्त होती हैं। और ये कि उगाने को क्या पता नहीं क्या क्या उगा रहे हैं हर मौसम में, अमेरिका, कनाडा वगैरह में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में हर मौसम में हर चीज मिलती है, पर बेस्वादी फिक्की चीज वही अच्छी जो जिस मौसम में मिले। फैट बड़ा प्यारा मौसम है आजकल, नजर ढाल दिखाना नजर आ रहा है, अल्लाह तेरी नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम अपना दिल खुश कर रहे हैं, कल तो इतनी कश्तियाँ चल रही थी, लग रहा था कि वो यहाँ पे पता नहीं कोई मच्छी का कोई खास आज मौसम है, या मछली ने टाइम दिया हुआ सबको, क्या आना ज़रा 18-20 मछली वो थी, बोट्स चल रही थी, और मैं अचानक आई यहाँ पे, मुझे बड़ा मज़ा आ गया, पर सर में तेल लगाया था, बड़ी जहर लग रही थी। पहले तो बना ली वीडियो, मैंने कहा नहीं आप लोग दिन लग जाते नहीं, आई वॉज एक्चुअली नॉट रेडी टू मेक वीडियो, तो मैंने मगर इतनी सारी बोट सी के मुझे मज़ा ही आ गया देख के, और फिर पता नहीं कौन कौन से गाने दिमाग में आते हैं पानी के हिसाब से। शुक्र अल्लाह का कराची का मौसम सब बहुत अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा लगता है कराची का मौसम। फिर ये नान का पराठा, मतलब इसमें तिल भी हैं और साथ में एक चाय, और क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है ना। तो दुआ करें कि मैं उस माइक पे सेट हो जाऊँ, फिर मैं जाऊँगी समंदर के, मैं पानी में पाँव डाल लें, शर 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 शर
ये देखो, ये तो खैर बिल्कुल बोल रही है, अच्छी लग रही है। तो ये अच्छा लगता है खुली फिजा में, बहुत सी ऐसी आवाज़ें आती हैं जो आपको अच्छी लगती है, बहुत सी ऐसी आती है जो वास्ट होती है। ये टैंकर आ गया, कभी कभी तो रिक्शा ही अंदर आ जाते, मैं तो हैरान हुआ है अलाव कैसे करते हैं इतना फट 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 करता हुआ। एक बहुत ही पीसफुल सा एटमोसफेयर, उसके अंदर से आपको ऐसी आवाज़ें सुन के करीब ही याद आ जाती है, सॉरी। तो एंजॉय कराची का वेदर, और मैं तो जा रही हूँ काम पे, ठीक है, फिर भी नहीं।